तो बेरमो अनुमंडल के सुदूरवर्ती इलाके में बसे लीला जानकी पब्लिक स्कूल में हुए वृक्षारोपण, तो स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सहित स्कूल के सभी कर्मचारीगण और स्थानीय पत्रकारों ने वृक्षारोपण किया। वहीं स्कूल के निदेशक नीरज कुमार सिन्हा ने बताया कि पर्यावरण को देखते हुए इस स्कूल में लगभग 1000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य है, तो अभी फिलहाल 200 वृक्ष लगाए जा चुके हैं। वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों को मिला है पूर्वजों से पेड़ पौधा, तभी तो हम अच्छा ऑक्सीजन ले रहे हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं। अगर हम आज पौधा लगाएंगे तो हमारे बच्चों और आने वाले जितने भी वंशज हैं वो अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और शुद्ध रूप से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और ऑक्सीजन जो है सबको सब बेहतर ढंग से सभी लोगों को मिलता रहेगा, पर्याप्त पर्यावरण सही ढंग से हमारा संचालित होता रहेगा। हमारे स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम जो हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना। अभी तो 185 पौधे हम इस कैंपस के अंदर में लगाएंगे, लेकिन 1001 पौधा हमको लगाना है। किस तरह के पौधे? यहाँ के कुछ फलदार वृक्ष हैं, साखुआ है और सागवान है, मोहगिनी है, पाम है। इसको लगाने से क्या? इसको लगाने से पर्यावरण में जो शुद्ध हवा मिलता है वो अभी मिल नहीं रहा है, और कम से कम कुछ इस एरिया में हमारा शुद्ध हवा का वातावरण होगा। लोगों को यही संदेश देंगे कि आप वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं और एक अपने माँ के नाम से पौधा को जरूर लगाएं। आज जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्या उसका यही मकसद? मेरा मकसद यही है, माँ के नाम से और एक पौधारोपण हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ का पर्यावरण में कुछ बदलाव हो।